वेलकम बैक माई चैनल। आए हो आप सब खरीए से होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया मत बोलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, चूँकि ऐसी वीडियो आपको आती रहेगी सबसे पहले। मेरे सब्सक्राइब के बटन आए उसको भी क्लिक करिए और मेरे इंस्टाग्राम के भी आए उसको भी फॉलो करिए और मेरे फेसबुक का जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। वेल, आज का मौसम बहुत ज़बरदस्त मौसम है लाहौर में, काफ़ी ज़बरदस्त और ठंडा ठंडा मौसम है। इसलिए मैं यहाँ पे गराज में बैठा हूँ, ये आप देखे कि मैं बैठा हूँ गराज पे। तो मम्मी ने कहा कि गराज का कुछ सेटिंग कर लो, कुछ सफाई कर लो। तो मैंने घर के सफाइयाँ के भी किया है, गाड़ी का भी साफ़ किया है। तो गाड़ी भी साफ़ किया तो माली आया था, तो मैंने कहा माली को ढूंढ लूँ। मैं जो माली भी आया था तो मैंने माली ने घास काट लिए, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरह का। थोड़े पहले काफ़ी ज़्यादा घर थे, घास बड़े बड़े हुए थे, ये आप देख सकते हो। ये घास तो मैंने सारा काट लिया, ये देखो सारा घास ये माली ने काट लिया है सारा। ये कुछ पौधे भी लगे हुए हैं, हमने लगाया हुआ पहले से। ये आप पौधे देख रहे हो, ये प्लांट देख रहे हो, ये प्लांट लगा हुआ है, लेमन का प्लांट है ये, ठीक है। तो ये साइड भी आप देख सकते हो, ये भी लेमन का ही प्लांट है ये दोनों का, ठीक है। ये हमने सबसे बड़ा वाला लगाया जाके इजी रहे, ठीक है। और ये साइड पे है, ये अमरूद का है, ये अमरूद का प्लांट है, ठीक है, ये वाला। तो ये यहाँ पे देख सकते हो, ये भी ऑरेंज का, ये ऑरेंज का है बहुत प्लांट। ये पिछले 2 साल पहले हम पाकिस्तान आए थे, इस पर काफ़ी ऑरेंज का सीजन लगा हुआ था, बहुत सारे इंजॉय किए थे। ये घास हमने काटे थे छोटे छोटे, तो हमको अच्छे ही लगते ऐसे पार्क पे सजाते हैं नॉर्मली। तो अभी अफ्तारी में अभी 1 घंटे रहता है अफ्तारी पे टाइम होने पे, तो हम खाना खाएंगे अफ्तारी पे। तो मैं नॉर्मली खाऊंगा तो आ चुके, आज मेरे बाहर जाने का प्लान है। तो बाहर जाने का प्लान क्या है वो मैं नहीं बताऊँगा कहाँ जाऊँगा अभी, क्योंकि मेरा प्लान कभी कभी बन जाता है, कभी बाहर खाने के बन जाते, कभी दोस्तों के साथ बन जाते, कभी अपनी फैमिली के साथ, कभी अपनी वाइफ के साथ, ये तो डिपेंड ही होता है कहाँ जाते हैं। तो मेरी वाइफ ने कहा अच्छा क्या खाना है, मैंने कहा भाई जो मर्ज़ी बना लो, सभी कहते जो मर्ज़ी बना लो। तो मैंने सोचा यार नूडल्स बना लो, तो मैंने कहा मैं खुद बनाऊंगा, मैं नहीं मेरी वाइफ बनाएंगे। तो मैं ठीक है तुम बना लो नूडल्स, तो मैं आप मेरी वाइफ बनाएंगे इंडोमी चिकन वाला, तो काफ़ी मज़े की होगी। मैंने कहा क्योंकि एक बार मैंने खाया था जब मैं सब साकुर में था, तो मैंने नूडल भी खाया था, काफ़ी टेस्टी था। मैंने कहा यहाँ पर बना लो, तो नूडल अभी बना रहे हैं। अभी अफ्तारी में 1 घंटे रहते हैं, 1 घंटे के बाद हम आपके साथ शेयर करूंगा मैं नूडल्स और पानी सेंडा जो आपको नॉर्मली अफ्तारी जो होती हैं वो करेंगे। इसके बाद बाहर जाएंगे तो देखेंगे हम कहाँ जाएंगे। ये गोलगप्पे लेके आए थे, मैं बड़े भाई गोलगप्पे लेके आए थे, मैं तो नहीं खाता गोलगप्पे क्योंकि मुझे मना है गोलगप्पे। ये मिट्टी की चटनी, फिर बाद में ये पानी वाले खट्टे वाले पानी, फिर ये गोलगप्पे का जो मसाला चने आलू जो भी है ये साइड बना रहे हैं। ये चीज़ है क्योंकि अभी इस साइड पे देखो तो मेरी वाइफ नूडल्स बना रही है, कि नूडल्स बॉल पे डाल रहा था ये, इसके बाद में ये क्या कहते हैं चिकन का मसाला, ये चिकन का मसाला डाल देते हैं ये आप देख। ये तो अभी अजान होने में सिर्फ 1 घंटे रहता है, तो मैं बर्तन लगा रहा हूँ, मैं साथ साथ बर्तन फिर देखते हैं, फिर सब बैठ के हम खाते हैं। तो अभी मैं बर्तन लगा रही हूँ क्योंकि अभी अफ्तारी पे टाइम होने वाले हफ्ते, तो मैं बर्तन का सेटअप कर रहा हूँ, तो देख लो। ये रोप्स है, ये रोप्स है और टेंट्स। ये इमली की पानी है क्योंकि गोलगप्पे लेके आए थे। ये इमली की चटनी हुई, इमली की चटनी हुई, इमली की रायता। और ये है गोलगप्पे का मजेदार के। ये सेटअप लगाया मैंने नॉर्मली, ये गोलगप्पे हैं, ये बर्तन लगाया मैंने क्योंकि हम नॉर्मली हम हैं यहाँ पे सब, इसलिए। तो अभी रोज़ा खोलने में सिर्फ 20 मिनट रहते हैं तो हम रोज़ा खोलते हैं। तो ये मेरी वाइफ ने नूडल्स बनाए हैं, इंडोमी चिकन का नूडल्स बनाए, फर्स्ट टाइम अपने वाइफ के हाथों से खा रहा हूँ, देखें किस तरह का टेस्ट है। बिस्मिल्लाह, सही है, मज़े की है, सो रहा मिर्च काफ़ी स्पाइसी था लेकिन वो अच्छा है ये।
मजे की है सर। रोजा रोजा तो मेरे फेवरेट है। मजा आ गया। अब तो मैं खाना खाऊँ फिर खाने जाने की बात। जाने वाला था तो बारिश स्टार्ट हुई जो खड़क खड़क की बिजली की आवाज़ आ रही है। अभी आपको आवाज़ आ रही की आवाज़ आ रही थी बिजली की। तो मैं जा रहा था फार्मेसी में जा रहा था वो बाइक को जैसे मैं रैश हुई थी तो मैंने कहा ट्यूब लेके आ जाओ बाइक के लिए। तो पापा ने मुझे कोई ट्यूब का नाम दिया था और मेरे कज़न ने भी ट्यूब का नाम दिया था। तो मैं बारिश जा रहा था लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है तो मैं बाहर नहीं जा। बारिश हल्की होगी तो मैं जाऊँगा। लेकिन बारिश जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाऊँगा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। ठंडा ठंडा मौसम है लाहौर में। लेकिन पिछले भी आपको लाइटिंग आ रहा होगा। ये मौसम होया वह अभी तो हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये देखो अभी तो हल्की हल्की हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पे बारिश की ग्राज के बाहर हूँ। ये देखो हल्की हल्की आपको बारिश नज़र आ रहा होगा ड्रॉप ड्रॉप। तो मैं अभी बारिश का मौसम है तो बारिश कम हुई कि तो मैं जाऊँगा बाइक के ट्यूब लेने के। इसके बाद फिर मैं जाऊँगा रात को कहीं मैं जाऊँगा अभी अपनी वाइफ के साथ में जाऊँगा कोई मजे के खाने के लिए खाने जाऊँगा मैं। वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये देखो यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है बारिश का एकदम ठंडा ठंडा बारिश का मौसम बया रहा है। बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है। मैं बारिश बारिश में नहा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम पास में बारिश में नहा रहा है। यहाँ मज़ा आ गया बारिश में। ये देखो इतना मज़ा आ गया। तो मेरा कैमरा मेरे पास ही लेके आ रहा है क्योंकि ये वाटर प्रूफ मेरा कैमरा नहीं है। इसलिए क्योंकि ये कैमरा वाटर प्रूफ नहीं है इसलिए पता है कैमरा को मैं पानी में नहीं लेके आ रहा हूँ। चाहे मैं कैमरा खराब भी चल जाता है आपको पता है कितना महंगा कैमरा होता है। तो बहुत अच्छा मौसम है यार बहुत ज़बरदस्त मौसम है। ऐसा मौसम मैंने अपनी लाइफ तक भी देखा मैंने जो मौसम अभी है उसको। तो अभी मैं कभी थोड़े गीले हो रहे हैं जैसे भी थे वो फिर गीले इतने एक्साइटिंग हो यार। वो अगर पापा भी होते हैं यहाँ पे तो पापा भी बड़ा एक्साइटिंग होते हैं। कैसा मौसम है यहाँ पे। वेल बारिश ख़त्म हो चुका है। ये जैसे बारिश का मौसम ख़त्म हो चुका है लेकिन बारिश इतना तेज़ हुआ था इतना तेज़ हो था बारिश का रुकने का नाम भी नहीं रहा था। मैंने कहीं जाना था अपनी वाइफ के साथ खाने खाने के लिए। आप पूछेंगे कहाँ जाना था। वही हमने जाना था कराची बिरयानी खाने का। वो हमारे पैगोना सिटी के पास ही है रेस्टोरेंट खोला है। बिल्कुल टेस्ट कराची बिरयानी के जैसे टेस्ट है। तो बस आसा मेरे भाई की दवाई भी लेना था लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा पाया था। बारिश पानी इतना हो गया था तो मैं वहाँ पे नहीं जा सका। तो मैंने फार्मेसी को फ़ोन किया था जो मेरे दवाई लेना था। तो मैंने उसको फ़ोन किया था वो होम डिलीवरी करके घर आ चुका था। एक और अहम खबर मैं आपको बताऊंगा। पासन का चांद नज़र आ गया। यस पासन में चांद नज़र आ गया। आप सबको चांद मुबारक है मुबारक। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने ये शेप तो उस दिन कराई थी 5 दिन पहले शेप कराई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब कुछ बंद हो चुका है जिसको मैं दोबारा शेप नहीं कर सकता। तो अभी मेरी वाइफ सेवियाँ बनाने लगी हैं और मैं अपनी शलवार कमीज भी लगाने लगा। तो उसको मैं आपको अगली वीडियो बताऊँगा जो ईद के दिन आएगा। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ बंद है और ऊपर से हैप्पी का खुशी का दिन आने वाला है। तो अभी शलवार कमीज मैं लगा लूँगा फिर मैं इसको इसी करूँगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब किए मत बोलना। दुआ में याद रखना इंशाल्लाह अगली वीडियो के इंतज़ार रखिए। खुदा हाफ़िज़।